नमस्कार छात्रों, आप सर के इस क्लास में स्वागत है। देखिए बच्चों, आज हम लोग का जो क्लास है मैथ का है, आर एस अग्रवाल बुक एनडीए एमए का जो सॉल्व करते हैं उसका नेक्स्ट पार्ट आज स्टार्ट करते हैं। जो आर एस अग्रवाल एनडीए एमए का आता है इंग्लिश मीडियम में और हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए परेशानी होता है, उसके लिए मैंने सलूशन निकाला है। एक एक क्वेश्चन दोनों मीडियम के बच्चों के लिए फायदा होगा। हिंदी में लिख देते हैं, इंग्लिश में बुक में लिखा हुआ है, बुक खरीदिए और एक एक क्वेश्चन बना रहे हैं। उसका सीरीज चल रहा है, कोऑर्डिनेट से हम लोग स्टार्ट किए हैं। नेक्स्ट सीरीज आएगा, नेक्स्ट आएगा और अगले वीडियो में अगला सीरीज, ऐसे पूरा बुक कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए बच्चों, इससे पहले एक बच्चे ने कमेंट किया था, जो कमेंट करता है उसका तुरंत वीडियो बना करके उसी टॉपिक पर दिया जाएगा कि एक पार्ट में जहां एरिया ऑफ ट्रायंगल बताए थे तो 3HW दिए थे कि उसका आंसर मिलवा दीजिए सर। आंसर मिलवा देते हैं। पहला जो दिए थे उसका आंसर है, जो मिड पॉइंट दिया था और एरिया पूछता था 8, आंसर मिलवा देते हैं। अगर नहीं बनेगा, नियम बता दिए, अगर नहीं बनता है तो फिर पूछ लेना कि बना दीजिए सर, तो बना देंगे। अगर आंसर मिलाने के लिए आया था तो जो बच्चा पढ़ता है वही कमेंट करके पूछेगा तो उसका आंसर तुरंत मिलेगा यहां से। तो 8 होगा। किसका आंसर 8 होगा? जो HW में वो क्वेश्चन था फर्स्ट, जिसका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट देकर के ट्रायंगल का एरिया पूछता था। जैसे ये ट्रायंगल है तो शीर्ष नहीं दिया था बच्चों, इसका मिड पॉइंट दिया था और कह रहा था कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। दूसरा क्वेश्चन था एक्स करके, एक्स प्लस टू लास्ट कोऑर्डिनेट था, इसका आंसर पूछ रहा था तो 4 होगा। कितना होगा बच्चों? 4। और एक था जिसका PB करके दिया था और उसमें पूछता था पी कोऑर्डिनेट, तो वो होगा 1.0। तो ये 3 क्वेश्चन का आंसर है, आंसर मिलवा दिए। तीसरा का आंसर होगा 1.0, दूसरा का आंसर होगा 4, फर्स्ट HW का आंसर होगा 8। तो जिसने कमेंट किया वो आंसर मिला ले अगर बनाए हैं तो, अगर गलत है तो कमेंट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में उस तीनों क्वेश्चन को बना देंगे। तो जो नहीं देखा है जा करके देख ले। एरिया ऑफ ट्रायंगल जिसका लोगो होगा कि बिना सूत्र का कोई भी एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्वेश्चन बनाए, उसमें वो HW 3 दिए थे। तो प्लेलिस्ट में पूरा वीडियो पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल में जाइए, उसके प्लेलिस्ट में जाइए और जो आपको पढ़ना है वहां से मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, आज का जो क्लास है ये HW का तीनों का आंसर मिलवा दिए कमेंट पर। अब आप मिला लीजिए, अगर बनाना होगा तो कहेगा कि सॉल्व कर दीजिए तो सॉल्व कर देंगे, कैसे आएगा। अब देखिए, हम लोग 25 तक कंप्लीट किए थे, 26 नंबर क्वेश्चन है आर एस अग्रवाल एनडीए एनए का 26 नंबर क्वेश्चन है इंग्लिश मीडियम वाले के लिए, इंग्लिश में लिखा हुआ है बुक में, पढ़ देते हैं और उसका हिंदी अनुवाद करके लिख देते हैं हिंदी मीडियम और एक्सप्लेन दोनों मीडियम के लिए कर देते हैं। देखिए 26 क्वेश्चन है बच्चों, द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल ABC आर ए 8.6, बी 8.-2 एंड सी 2.-2। इट्स सर्कम रेडियस इज द वर्टिसेस ऑफ, दिया है द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC, द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC आर ए दिया है बच्चों, ए है 8.6, बी दिया है 8.-2 एंड सी दिया है 2.-2। फाइंड सर्कम रेडियस। इंग्लिश में लिखा हुआ है, ऐसे लिख दिए, ठीक। मेन मकसद है इसका हिंदी लिखना। उस ऐसे लिख लो, त्रिभुज ABC के शीर्ष
ABC के शीर्ष शीर्ष हॉटिसस में शीर्ष है, शीर्ष ए 8.6, बी 8.-2, सी 2.-2 है, 2.-2 है, 2.-2 है, तो इसका परित्रिज्या ज्ञात कीजिए, परित्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, जब किताब में देखिएगा इसका सलूशन तो आपको लगेगा कि पासे नहीं होंगे। देखिए कैसे जल्द बनाते हैं, तुरंत कैसे बनाते हैं। सर्कम रेडियस पूछ रहा है, सर्कम रेडियस एक ट्रायंगल का सर्कम रेडियस पूछ रहा है, उसका शीर्ष तीनों दिया है। तो सर्कम रेडियस होता क्या है पहले ये समझिए, मौखिक बना सकते हैं, बहुत जल्द बनाएंगे। पीछे का वीडियो जो पढ़ा हुआ है ना, मेरा लेक्चर जो जिसमें थ्योरी पढ़ाते हैं, जिससे सर्कल चल रहा है एक में मैथ फॉर एयरफोर्स में, और ये है जो कि आर एस अग्रवाल सोल्यूशन है, तो वहाँ पर हम ये ट्रिक बताए हैं, वही चीज़ वही कॉन्सेप्ट से आपको तुरंत बना देंगे कि सर्कम सेंटर क्या होता है, परित्रिज्या सबका वीडियो पड़ा हुआ है। देखें ऐसे जब रहता है ना कोई भी ट्रायंगल, तो उसके बाहर तीनों वर्टिसेस से टच करके, अरे तीनों शीर्ष से, तीनों कोनवा से टच करके जो सर्कल बनता है ना, उसे सर्कम सर्कल कहते हैं। और इसकी रेडियस जो होती है, अरे केंद्र से अब परिधि तक यही हो गई, माने उसके शीर्ष तक की दूरी, सर्कम रेडियस मीन्स परित्रिज्या कहलाती है। एक अंतःवृत्त होता है, त्रिभुज के तीनों भुजा को टच करके अंदर बनता है वृत्त, इसका अंतःत्रिज्या होता है। तो परित्रिज्या जो होती है ना, परित्रिज्या उसका सूत्र होता है बच्चों, आर बराबर ए बी सी इंटू फोर इंटू एरिया का क्षेत्रफल, ये होता है नॉर्मल के लिए। लेकिन जब ट्रायंगल हो परित्रिज्या, जब राइट एंगल हो, जब राइट एंगल हो, ये होता है बच्चों ए बी सी परित्रिज्या का सूत्र होता है, तीनों भुजाओं का योग गुणा कर दीजिएगा, ए है, बी है, सी है, और नीचे चार गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल कर दीजिएगा, आर आ जाएगा परित्रिज्या किसी भी त्रिभुज का। अगर समकोण त्रिभुज है, मान लीजिए समकोण त्रिभुज है, तो जो परित्रिज्या होता है ना, हाइपोटेनस का आधा होता है, आर बाई टू, आर जो होता है एच बाई टू होता है, एच बाई टू आर हो जाता है, कौन निकालेंगे, एच बाई टू हो जाता है, क्योंकि ऐसे वृत्त बनेगा ऐसे, तो ये केंद्र, ये त्रिज्या इसका आधा हो जाता है, तो राइट एंगल में। तो देखिए इसका क्या होगा, अब देखिए इसको बनाएंगे कैसे, ये आर एस अग्रवाल का 26 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी के शीर्ष दिए हैं और कहता है इसका परित्रिज्या ज्ञात कीजिए, मीन्स परिवृत्त, बाहर जो वृत्त बनेगा उसका त्रिज्या क्या होगा। तो देखिए बच्चों इसको निकालेंगे कैसे, आपको बताए हैं कि जब तीन शीर्ष दिया रहता है तो सबसे पहले चेक करते हैं, जिसे 8.6 दे दिया है, 8-2, जो नहीं पढ़े हैं जाकर थ्योरी पढ़िए तब समझ में आएगा सोल्यूशन, ये क्वेश्चन बन रहा है, और इसका कंसेप्ट पढ़ाते हैं एक प्लेलिस्ट में कि बेसिक कैसे कैसे होता है। तो वहां पर बताए हैं, दो एक्स मिल गया और दो वाई मिल जाता है बच्चों, दो एक्स मिल जाता है एक जैसा, और दो कोऑर्डिनेट वाई एक जैसा अगर मिल गया तो समकोण त्रिभुज हो जाता है, जाकर के देखिए प्लेलिस्ट में, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। और जब राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता है तो जिसमें दोनों तीर आ जाता है, दो तीर जाता है, वहां पर 90 डिग्री बनता है, वहां पर क्या बनता है 90 डिग्री, और वो ये अर्थ स्वेटर होता है लंब केंद्र, और इसका मिड पॉइंट क्या हो जाता है, सर्कम सेंटर हो जाता है परिकेंद्र। तो इसका मिड पॉइंट निकाल के भी निकाल सकते हैं, या यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस, हाफ कर देंगे परित्रिज्या हो जाएगी। अरे ये जब 90 बन गया तो इसका जो दूरी होगा कौन हो जाएगा, तो जिसमें एक एक तीर जाता है, जाकर के ट्रिक देखिए पढ़ाए हैं, एक एक तीर जिसमें जाता है उसके बीच की दूरी निकालेंगे। बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से, 8-2 गया 6, 36, 6 का स्क्वायर 6 और माइनस 2 8 हो जाएगा, पॉजिटिव चिन्ह तो जोड़ देते हैं, 8 का स्क्वायर 64, तो दूरी हो गया 10, हाफ करेंगे कौन हो गया 10, तो आर 5 हो जाएगा, 5 आपका आंसर हो गया। तो कुछ नहीं करना है, देखना है समकोण त्रिभुज नहीं है तो वो सूत्र बेसिक बनाते हैं, 4 ए गुणे बी गुणे तीनों भुजा निकालते, क्षेत्रफल निकालते, तब आर निकालते। अगर समकोण त्रिभुज में ही देता है एयरफोर्स में, नेवी में, एनडीए में देता है बिना राइट एंगल ट्रायंगल का, तो अगर दे दिया राइट एंगल पर देता है मैक्सिमम सर्कम रेडियस, तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि दो तीर एक में जाता है, एक एक तीर एक ब्रैकेट में जाता है। तो जौना कोष्टवा में एगो तीर जाई, जौना में दो गो जाई, तो वहां पर लंब केंद्र होता है, जौना में एगो जाई वो
हाइपोटेनस कोण का शीर्ष होता है उसका बीच की दूरी निकालकर हाफ कर दीजिए, इसके इसके बीच की दूरी डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालिए, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर हाफ कर दीजिए, सर्कम रेडियस हो जाएगा। तो ऐसे 26 उड़ा सकते हैं विद इन मिनट, 26 नंबर आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन आप मिनट में, अब जाकर के सोल्यूशन देखिए कैसे बनाया है, ये कहीं भी देखिएगा इसका सोल्यूशन। तो हम क्या बताएं कि शीर्ष में देखना है जिसमें एक एक तीर जाता है उसके बीच की दूरी निकालकर हाफ कर देना है, कहीं भी अगर सर कम रेडियस पूछे तो, अगर एक्स दो को मिल गया कोऑर्डिनेट आप पीछे वाला वाई कोऑर्डिनेट दो मिल गया तो बस जिसमें एक तीर गया उसके बीच की दूरी निकालकर हाफ करो, सर कम रेडियस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस का हाफ ही होता है, आधा कर देने पर सर कम रेडियस होता है, ये बताएं। अब 27 नंबर 27, इसके पहले सीरीज पड़ा हुआ है, एक से स्टार्ट किए हैं कोऑर्डिनेट से, अगर नहीं देखे हैं तो जाकर के देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन पर लगा दीजिए ताकि जो ही लाइव क्लास पढ़ाएं या वीडियो अपलोड करें तो आपको पहले मैसेज चल गया कि नेक्स्ट पार्ट इसका आ गया, अगले पार्ट में नेक्स्ट में इसके आगे पढ़ेंगे। तो इसमें अभी बनाते हैं डेली 5-10 एक पार्ट में बनाते हैं हम लोग क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन कम से कम। देखिए बच्चों दूसरा है 27, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर हैविंग वर्टिसेस, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर हैविंग वर्टिसेस पी 6.3 क्यू -3.5 एंड आर 4.-2 इज त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल ज्ञात करें, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए कीजिए जिसके शीर्ष, इंग्लिश में लिखा हुआ है बच्चों, जिनके शीर्ष हिंदी मीडियम वाले के कहने पर ही स्टार्ट किए हैं। बच्चे बोले कि इंग्लिश मीडियम वाले तो पढ़ लेते हैं, तो जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं बुक खरीद लीजिए और वहां से या नेट से डाउनलोड कर लीजिए, उसमें है क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा हुआ है, उसी का हिंदी अनुवाद करके हिंदी मीडियम बनाते हैं, समझाते हैं, दोनों के लिए सलूशन हो जाएगा और हिंदी में भी हो जाएगा। तो इंग्लिश में लिखा हुआ है पढ़ देते हैं, या जब पढ़ते हैं तो उसको वीडियो को रोक रोक कर लिख लीजिए, ट्रायंगल पी क्यू आर एस है वर्टिसेस पी 6.3 P 6.3 दिया है बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर हैविंग वर्टिसेस पी 6.3 क्यू -3.5 एंड आर 4.-2 इज, इसका मतलब हुआ हिंदी में कि त्रिभुज पी क्यू आर के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष पी 6.3 क्यू -3.5 क्यू -3.5 एवं आर आर 4.-2 है, आर 4.-2 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 10 क्लास से पढ़ते आते हैं कोऑर्डिनेट में, तो वैसे हम लोग को नहीं बनना, हम क्या बनेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है बच्चों। तो हम बताए हैं कि शीर्ष जो दिया है ना उसको लिख लेते हैं, एरिया निकालना है तो हाफ कर देते हैं, इसके बाद मोड कर देते हैं, मोड का मतलब जोड़ घटाने के बाद यदि एरिया है माइनसों में आए ना, जैसे -30 आए तो +30 लेना है सॉल्व करने के बाद। तो करते क्या है बच्चों, तीनों शीर्ष लिख लेते हैं, 6.3 पहला फिर दूसरा लिखते हैं -3.5। एरिया निकालने के लिए किसी भी चीज़ का, अभी देखें इसी में क्वाड्रिलेटरल है, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, सूत्र होता है x1 x2, कुछ नहीं करेंगे, फिर चतुर्भुज देगा तो आपको दिक्कत हो जाएगा, यहाँ से फिर दो गो त्रिभुज का निकालिएगा जोड़िएगा, आ इससे ना चतुर्भुज पंचभुज डायरेक्ट एक बार आंसर निकलता है, डायरेक्ट तुरंत निकलता है, तो थ्योरी में पढ़ाए ये कंसेप्ट। तीसरा शीर्ष दिया है बच्चों, तीसरा दिया है 4.-2। अब करते क्या है, लास्ट में शुरू वाला शीर्ष एक बार लिख देते हैं, देखिए यहाँ पर लिखते हैं, जैसे पहला शीर्ष दिया सोल्यूशन हम यहाँ करते हैं, पहला है 6.3, दूसरा है -3.5, तीसरा है 4.-2 और लास्ट में एक बार शुरू वाला लिख देना है जो शुरू में शीर्ष दिया है 6.3। अब आपको कुछ नहीं करना है, देखिए शुरू वाला लास्ट वाला पर तीर मारिए, उसको गुणा कीजिए, बताए हैं तो 36 -18 -18 एज इट इज लिख देना है, शुरू वाला और लास्ट वाला, शुरू वाला और लास्ट वाला 6.5 होगा, शुरू वाला दो ब्रैकेट लेना है शुरू से, ये फिर ये बस आंसर हो जाएगा। एरिया निकालने के लिए जब भी दिया हो, तीन शीर्ष दिया रहता है एरिया पूछता है, तो शुरू वाला शीर्ष को लास्ट में लिख दीजिए, शुरू वाला लास्ट वाला ब्रैकेट में जाइए, अरे एलिमेंट इसका शुरू
और लास्ट वाला, अब फिर बीच वाला दोनों गुणा कीजिए, अब माइनस कीजिए, तो माइनस नौ होगा, माइनस कर देखिए शुरू वाला और लास्ट वाला गुणा करके एज इट इज लिखते हैं, जेब कहते हैं, जैसे पाँच छः तीस प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, इसको गुणा करके यहाँ घटाते हैं, माइनस होता है तो माइनस होगा, माइनस नौ बन रहा है बीच वाला दोनों गुणा करना, तो प्लस नौ हो जाएगा। इसी तरह अब इस कोष्टक में चलेंगे, इस ब्रैकेट में, तो लास्ट वाला शुरू वाला लास्ट वाला के साथ जाएगा, तो माइनस तीन आ माइनस दो, तीन दो न छः प्लस छः हो जाएगा बच्चों, आ माइनस करेंगे बीस, ये बीच वाला दोनों गुणा करेंगे माइनस बीस, फिर इसी तरह इसमें चलेंगे शुरू वाला लास्ट वाला बारह, क्या लिखेंगे प्लस बारह, और बीच वाला गुणा करके घटाएंगे तो माइनस बारह है तो प्लस बारह हो जाएगा। अब सॉल्व करते हैं कितना हो गया हम लोग का, अब देखिए हाफ एरिया हो गया, यहाँ से बीस घटेगा दस बचेगा, बारह बारह चौबीस, बीस घटा चार, चौबीस में से बीस गया चार, अच्छा दस, दस तीस चालीस और नौ उनचास बटा दो, तो उनचास बटा दो हम लोग का आंसर हो जाएगा 24.5। बच्चों आंसर कितना होगा 24.5, आंसर मिला लेते हैं 24.5 आ रहा है हम लोग का, हाँ सही है 24.5, तो इसका आंसर हो गया 49 में दो से भाग देंगे 24.5 आंसर। तो ऐसे बनाते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब चतुर्भुज जाता ना तो एक बार यहाँ लिख देते चौथा शीर्षवा, बस हो जाता है, इसी तरह कर लेते, कोई सूत्र की जरूरत नहीं है। तो उसी में एच डब्ल्यू था, यहीं जहाँ सिखाए हैं ये मेथड ऐसे बनाने का, वहाँ पर बेसिक भी बताए हैं, कैसे 10 क्लास में पढ़ते थे हम लोग छोटे क्लास में, वो भी बताए हैं, डिटर्मिनेंट वाले भी बताए हैं, एक्स वन माइनस एक्स टू वाला भी बताए हैं, ये जो है ना वहीं पर एच डब्ल्यू जो बताए तीन दिए थे उसका आंसर जो प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा हुआ था। तो अब चलते हैं नेक्स्ट, तो एरिया पूछ रहा है तो ये 27 बन गया, 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आर एस अग्रवाल का 28, 28 क्वेश्चन नंबर 28, इंग्लिश में पढ़ देते हैं, लिख लीजिए, इंग्लिश में क्वेश्चन है बच्चों, द एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी हैविंग वर्टिसेस ए ए कमा बी प्लस सी, बी कमा सी प्लस ए एंड सी कमा ए प्लस बी इज, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिनके शीर्ष ए कमा बी प्लस सी, बी बी कमा सी प्लस ए एंड सी कमा ए प्लस बी है। त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकालना है, सेम टाइप है, बना सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, शीर्ष दिया है बच्चों, देखिए त्रिभुज का शीर्ष दिया है, एक शीर्ष दिया है, तीन शीर्ष दिया है, क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो बना देते हैं 28 त्रिभुज के, हिंदी बोल देते हैं, क्वेश्चन का मतलब है उस त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करें जिनके शीर्ष ए एक कमा बी प्लस सी, बी कमा सी प्लस ए एंड सी कमा ए प्लस बी है। एक कमा बी प्लस सी, दूसरा शीर्ष है बी कमा ए प्लस सी, और तीसरा है बच्चों सी कमा ए प्लस बी। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष ए जो दिया है ए कमा बी प्लस सी है, बी कमा ए प्लस सी है, सी कमा, तो अब क्या बताया है बच्चों, इसको अच्छा से लिख लेते हैं छोटा करके, एक ये है, एक है बी कमा ए प्लस सी, एक है सी कमा ए प्लस बी, और लास्ट में शुरू वाला लिख देते हैं एक बार ए कमा बी प्लस सी। अब क्या करते हैं, इसको इसमें गुणा करेंगे, लास्ट वाला शुरू वाला गुणा करेंगे, तो ए से जब इसमें गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए सी होगा, ए स्क्वायर प्लस ए सी, हाफ कर देंगे बाहर, देखिए बनाते हैं ए स्क्वायर प्लस बी सी, बी ये अंदर वाला दोनों एक साथ गुणा करके घटाते हैं तो माइनस बी स्क्वायर और माइनस बी सी, उसी तरह फिर लास्ट वाला शुरू वाला में गुणा करेंगे बच्चों, लास्ट वाला शुरू वाला तो बी ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए बी प्लस बी स्क्वायर, अब माइनस करेंगे इसको गुणा करके ए सी माइनस सी स्क्वायर, ए सी माइनस सी स्क्वायर, ये बीच वाला गुणा करके माइनस करते हैं, फिर शुरू वाला लास्ट वाला गुणा करेंगे। यही ट्रिक सीखा है त्रिभुज एरिया निकालने के लिए, शुरू वाला लास्ट वाला में तो सी से गुणा करेंगे तो सी बी, सी बी आ सी स्क्वायर, माइनस करेंगे बीच वाला गुणा करके ए स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी। अब देखिए कुछ कट रहा है, कुछ कट रहा है, तो यहाँ सी स्क्वायर से प्लस सी स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर से प्लस में ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस में है ए स्क्वायर, ये है प्लस में ए स्क्वायर तो कट गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, ए सी से, ए सी से बचो, ए सी से ए सी कट गया, बी सी से बी सी कट गया, और ए बी से
ए बी कट गया, तो आंसर क्या हुआ बच्चों, आंसर इसका क्या बनता है, कोलिनियर बन गया, आंसर देखते हैं 28 जीरो बन गया। तो ये आइडेंटिकल है, इसका मतलब एरिया कितना आ गया, जीरो, एरिया जो है जीरो आ गया। इसका मतलब जो तीनों पॉइंट है एक ही लाइन पर है, कोलिनियर है, संरेखीय, इससे त्रिभुज नहीं बनेगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल जीरो का मतलब संरेख होता है, तो ये आंसर आ गया, सब कट गया। तो ऐसे बना सकते हैं, 29 बनाते हैं। आर एस अग्रवाल बुक का सोल्यूशन चल रहा है बच्चों, एक एक करके आर एस अग्रवाल एनडीए का एक बुक आता है उसको हिंदी में अनुवाद करके आपको पढ़ा रहे हैं और इंग्लिश में भी। तो 29 देखिए दिया है, द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल इज ए 1.4। क्वेश्चन है त्रिभुज के गुरुत्व केंद्र, गुरुत्व केंद्र 1.4 है। गुरुत्व केंद्र कैसे निकलता है बच्चा, बताए हैं x1+x2+x3/3 करके निकलता है, तीन से भाग, तो तीन से गुणा कर देंगे तो तीनों का योग हो जाएगा। कंसेप्ट बताए हैं, जहां सर्कम सेंट्रोइड निकालना सिखाए हैं प्लेलिस्ट में जाइए, वहां थ्योरी वाला पार्ट में जहां कोऑर्डिनेट पढ़ाए हैं पूरा बेसिक और कंसेप्ट ट्रिक सब, ये तो सोल्यूशन क्वेश्चन बन रहा है, वहां पर वही थ्योरी अप्लाई करके बुक वाला मेथड नहीं बन रहा है, शॉर्ट मेथड बन रहा है कि कैसे एग्जाम में हम लोग क्वालिफाई करेंगे, ये तरीका सीख जाएंगे। तो देखिए गुरुत्व केंद्र दिया है 1.4 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ टू इट्स वर्टिसेस आर, और त्रिभुज के गुरुत्व केंद्र इतना है और इसके माने त्रिभुज के इनके इसके दो शीर्ष 4.-3 4.-3 एवं -9.7 है। तो त्रिभुज का ट्रायंगल का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इंग्लिश में लिखा हुआ है बच्चों, ये 29 आपका है आर एस अग्रवाल का 29 क्वेश्चन है। गुरुत्व केंद्र दिया है और क्या पूछ रहा है, एरिया पूछ रहा है, क्षेत्रफल। तो देखिए बच्चों इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो जब एरिया पूछता है तो तीनों शीर्ष चाहिए, तो पहले गुरुत्व केंद्र से तीसरा का शीर्ष निकालेंगे। तो एक टॉपिक पढ़ाए हैं थर्ड शीर्ष निकालना मौखिक, तो थर्ड शीर्ष कैसे निकालते हैं, गुरुत्व केंद्र में तीन से गुणा कर देते हैं, तीन से क्या करते हैं बच्चों, कभी भी सेंट्रोइड जब दिया हो तो तीन से गुणा कर दो, तो तीन से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3। अरे यहाँ तीन से गुणा करेंगे, ये देखिए आपका इसमें जब तीन से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा सेंट्रोइड 3 हो जाएगा और 12 हो जाएगा। इसका मतलब x जोड़ने पर 3 आना चाहिए, 3 आना चाहिए, तो तीसरा शीर्ष क्या लें कि 3 आ जाए, तो 4 है और -9 है, तो -5 तो हो रहा है और 3 लेना है तो 8 चाहिए। अरे देखो तभी तो 12 में से 9 जाएगा तो 3 बचेगा, 8 रहेगा, तो 4 और 9 तो दो शीर्ष दिया है, तो ये उसको जोड़ने पर -5 हो रहा है, प्लस में 3 चाहिए तो प्लस में 8 रहेगा कि -5 होगा, तो उसी तरह 12 आना चाहिए, तो -3 है या 7 है, तो 4 है, यहाँ 8 होना चाहिए कि 8 और 4 12 हो जाएगा, तो तीसरा शीर्ष कितना हो गया 8.8। ऐसे तीसरा शीर्ष निकालते हैं, अब एरिया निकाल लेंगे, 4.-3 हो गया, एक है -9.7, ये जो आया है सेंट्रोइड में तीन से गुणा करके लिखे हैं, तीन से गुणा करके तीसरा शीर्ष तुरंत पकड़ा जाता है, बस इसलिए हाँ बेसिक बनाइएगा तो इसको x1 x2 x3 मानना पड़ेगा, फिर तीनों जोड़ के बराबर 1 करेंगे तो आ जाएगा 8, फिर y1 y2 y3 यहाँ y3 मान लो, सबको जोड़ के बटा 3 करके बराबर 4 करो, उसी तरह आएगा, टाइम लगेगा, और ऐसे वही कंसेप्ट है। अब देखिए बच्चों ये दिया है तीसरा शीर्ष निकाल लिया 8.8, अब शुरू वाला लास्ट में लिख देंगे 4.-3, अब क्या करते हैं शुरू वाला लास्ट वाला गुणा करके लिखते हैं, हाफ कर देते हैं, एरिया निकालना हो त्रिभुज का एरिया निकालना हो, अब मोड में क्या था शुरू वाला लास्ट वाला अभी बना रहे हैं सब क्वेश्चन, तो 28 और माइनस करते हैं बच्चों, अब माइनस करेंगे माइनस माइनस प्लस हो गया, अब माइनस रहता है तो 27 फिर करेंगे ये वाला गुणा करके घटा देते हैं, शुरू वाला 9.8 -72 हो गया, ये घटाएंगे 57.56 माइनस कर देंगे, फिर शुरू वाला लास्ट वाला माइनस है -24 8 में 3 में गुणा करेंगे -24 ये करेंगे 8 के 32
अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व कीजिए कितना आ रहा है, सॉल्व कीजिए ये कहे 32, अब इसको सॉल्व करते हैं कितना आता है, इसको सॉल्व करके हाफ कीजिए आंसर हो जाएगा, तो जोड़िए इसको, जोड़ करके हाफ कीजिए और 30 बना लेते हैं, आज का हम लोग का हो जाएगा 5 क्वेश्चन। जोड़िए 29 कितना आ रहा है और हाफ कर देना है, बस एक ही मेथड से एरिया बना रहे हैं हम लोग, उसी मेथड से बनाना है और कुछ नहीं करना है। तो देखिए बच्चों जोड़ते हैं, तो इसको इसको जोड़ेंगे सबको, सब माइनस में है, इसको 28 घटा देंगे लास्ट में, तो देखिए 2, 4, 6, 6, 12 और 2, 14, 7, 21 के 1 हासिल, 2, 3, 2, 5, 2, 7, 5, 12, 7, 19, 2, 21 211 माइनस में और 28 अब बटा 2 हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो 8 घटाएंगे तो 8 में से 11 गया 3 गया और 20 बचा 18, 183 बटा माइनस में आएगा तो प्लस हो जाएगा, मोड से चलते 2 हो जाएगा, यही आपका आंसर आ रहा है 183 बटा 2, हाफ कर लीजिएगा बस आंसर हो जाएगा। तो ये था 29। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, नेक्स्ट क्लास में यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे अगला क्वेश्चन जो 30 है ना, यही चीज है, सेम चीज, कोलिनियर चतुर्भुज दिया है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, हाँ तो बना देते हैं। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके चार शीर्ष दिया है, जैसे ये चतुर्भुज है इसके चारों शीर्ष दिया है ए बी सी डी, तो जो बच्चा नहीं ये नियम जानता है तो यहाँ से ये निकालेगा, एक शीर्ष से ये त्रिभुज निकालेगा, फिर ये निकालेगा, फिर दोनों को जुड़ेगा, टाइम लगेगा। तो डायरेक्ट कैसे बनाते हैं, तो दिया है कि 30 नंबर पढ़ देते हैं, द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी हुज वर्टिसेस इन ऑर्डर ए 1, 1, 7, -3, 12, 2 and 7, 21 उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिनके शीर्ष 1, 1, 7, -3, 12, -2 और 7, 21 है। चार शीर्ष दिया है, 1, 1 पहला शीर्ष दिया है बच्चों, दूसरा शीर्ष दिया है 7, -3, 7, -3 क्वेश्चन बोल दिए हिंदी में, वही चीज है, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष इतना 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 दिया है, चार गो शीर्ष दिया है, क्वाड्रिलेटरल कह रहा है चतुर्भुज, अब चतुर्भुज कोई भी हो, वर्ग हो, स्क्वायर हो, ये क्लियर नहीं है, बस क्वाड्रिलेटरल है, 7, -3, 12, 2, 12, 2 और लास्ट है 7, 21। अब देखिए बच्चों चार चीज चतुर्भुज है, तो एक बार शुरू वाला लिख दे, बस त्रिभुज जैसा बनाना है, पंचभुज का भी पूछे, षष्ठभुज का भी पूछे, किसी का भी पूछे, तो उसी तरह, तो शुरू वाला लास्ट में लिख देंगे 1, 1। अब करेंगे क्या, जैसे हाफ करेंगे, एरिया के लिए हाफ होता है, और मोड में लगा देंगे शुरू वाला लास्ट वाला -3 -7, फिर शुरू वाला लास्ट वाला 14 -, -+, 36 बढ़ती हैं 36, फिर शुरू वाला लास्ट वाला 12 में 21 में गुणा करेंगे बच्चों, 12 में 12 2 24 2 40 और 12 2 52 या 12 2 24 या 21 10 में 210 42 252 सही है, तो 252 होगा और लास्ट वाला घटाएंगे -14 और यहाँ करेंगे लास्ट वाला शुरू वाला 7 -21। अब सॉल्व कर देंगे बस आंसर हो गया, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए ये जो है ना 14, 7, 21 प्लस में हो गया, -21 से कट गया 14, 7, 3, 10 घटेगा 36 में से 10 तो 26 बचेगा और 26 में से 14 घटेगा बच्चों, 26 में से 14 घटेगा तो 12 बचेगा, 26 में से 14 घटेगा 12, 12 2 52 कितना हो जाएगा 264 अब बटा में 2 तो हमारा आंसर हो जाएगा 132
32 आंसर हो जाएगा, 30 का 132, तो ये रहा आपका आंसर 132 स्क्वायर मीटर। तो ऐसे मौखिक उड़ा देते हैं क्वेश्चन को। अब चतुर्भुज का दिया हुआ शीर्ष लिखना है, लास्ट वाला शुरू वाला बता दिया, इसको करके घटा के लिख देते हैं। तो ऐसे ट्रिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे इससे आगे, कि जितना बचा हुआ क्वेश्चन है उसको कैसे किताब मेथड से नहीं मौखिक बनाने, जो यही प्रैक्टिस कीजिएगा तब माइंड में बनाने लगिएगा। और इसी को कहा जाता है कि विद इन द मिनट बनाते हैं और मौखिक बनाते हैं। तो ऐसे बना सकते हैं इंटरमीडिएट एयरफोर्स टेक्निकल वाला मैथ, और वाई ग्रुप का जो होता है उसका भी शॉर्ट साइन इंडिसेस चालू किए हैं, अल्टरनेट करके वीडियो आता है उसका भी ट्रिक पूरा मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक बच्चों को बताएं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।